जल्द जाम से निजात मिलेगा अशोक राजपथ जाने वालों को, ये बात कही है पटना के जिलाधिकारी ने। राजधानी पटना स्थित अशोक राजपथ को जाम से राहत दिलाने के लिए पटना जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अशोक राजपथ पर कई प्रकार के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही लोगों को जाम की समस्या से निजात जरूर मिलेगा। एक्चुअली कारगिल चौक से जो NIT मोड है, खुदाबख्श लाइब्रेरी के पास तक जो है, विभिन्न जो हमारी परियोजनाएं चल रही है, इसमें कई जगह पे रोड की स्थिति ठीक नहीं है, साथ में धूल वगैरह बहुत उड़ रही है, और जो बच्चे भी जा रहे हैं, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो ट्रैफिक में काफ़ी लोग जो है समस्या हो रही है, तो उसी को कैसे रिजॉल्व करना है, इसीलिए जो है यहाँ के पुलिस SDOs और ट्रैफिक पुलिस, इसके अलावा DTO वगैरह सब लोग हैं, एजेंसी के भी इंजीनियर्स यहाँ पे है और अभिकर्ता भी है, सो दैट कि एक सोल्यूशन निकालेंगे ताकि लोगों को यहाँ पे समस्या नहीं हो। इसके आगे भी जो है कृष्णा घाट से गुलबी घाट की तरफ भी जो है धूल की समस्या है, जो हमारा रिवर फ्रंट बन गया है, लोग टहलते हैं वहाँ से भी कुछ लोग बाइक वगैरह लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ घटनाएं हो रही है और जो पेडेस्ट्रियन है उनको दिक्कत हो रही है, तो वो भी देखेंगे ताकि जो है जब तक ये प्रोजेक्ट हमारा पूर्ण नहीं हो जाए तब तक जो है लोगों की समस्याओं का निराकरण कर सके। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।